आइए अब चलते हैं भेंट वार्ताओं की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मुक्केबाजी के बारे में, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग के बारे में। बॉक्सिंग के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं बॉक्सिंग के कोच कुलदीप सोनकर जी। बॉक्सिंग मुक्केबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें दमखम और काफी समय की साथ निपुणता की आवश्यकता होती है। बॉक्सिंग का खेल और पुराने समय से हमारे भारत में चला आ रहा है और अभी कुछ मूलभूत परिवर्तन और कुछ थोड़े से चेंजेस के साथ आधुनिक समय में परिवर्तन के साथ अभी भी जारी है। बॉक्सिंग का खेल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर भी खेले जाते हैं। बॉक्सिंग के खेल के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं कुलदीप सोनकर जी। बातचीत करेंगे हम आज इसी संबंध में। तो कुलदीप सोनकर जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर जी, मैं कुलदीप सोनकर बॉक्सिंग से हूँ। कुलदीप सोनकर जी, कार्यक्रम खेल संसार में जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बॉक्सिंग के खेल से आप कैसे जुड़े? सर, बॉक्सिंग खेल से मेरा जुड़ना ये हुआ कि सर मैं और मेरा दोस्त 75 में हम लोग घूमते हुए सेक्टर 1 गए थे, वहाँ पर बॉक्सिंग टूर्नामेंट चल रहा था। मेरे दोस्त बीर सिंह चौहान मेरे साथ में था, तो वो जो टूर्नामेंट मैंने देखा तो मुझे काफी प्रभावित हुआ मैं उससे। जब वो टूर्नामेंट देखने के बाद में मतलब जो है कि हमने सोचा कि हमको बॉक्सिंग के टूर्नामेंट करना है करके, सीखना है करके, तो सर हमने मतलब जो कि बॉक्सिंग के कोच हमारे आर.एन. बनर्जी जो है उनसे जाके मैंने संपर्क किया। सेक्टर 6 में बॉक्सिंग क्लब है, तो सर मैंने वहीं से बॉक्सिंग की शुरुआत की है। तो आप कुलदीप सोनकर जी ये बताएं कि जो बॉक्सिंग का खेल होता है, खेल में जो है आपने अभी तक जो देखा है, तो जैसे छत्तीसगढ़ में जो बॉक्सिंग का खेल है इसके क्या अभी स्वरूप है और कैसा देखते हैं आप इसके छत्तीसगढ़ में खेल को, भविष्य को बॉक्सिंग के खेल को? सर काफी अच्छे अच्छे बॉक्सर हैं, अभी बच्चे लोग हैं जिनसे हमको आगे चल करके काफी अच्छी उम्मीद है कि वो बच्चे आगे में चल करके नेशनल के मेडल जरूर लेकर आएंगे। अभी शुरुआत चल रही है, अभी काफी अच्छा हो रहा है ट्रेनिंग उनकी हमारे यहाँ। तो आप कैसे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग का खेल है, वो जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं बॉक्सिंग के खेल से, उनको उनका भविष्य कैसा है बॉक्सिंग के खेल में और उन्हें क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए अभी? सर काफी बच्चों में उत्साह है, काफी चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे बने करके, काफी शौक है उनको बच्चों का बॉक्सिंग के प्रति। और सुविधाओं का तो ऐसा है सर की सुविधाएं जो है जो सरकार की तरफ से जो मिल रही है जितना है उतने में संतोष कर रहे हैं हम लोग। तो अभी जैसा आप बॉक्सिंग के खेल से जुड़े हुए हैं, तो इसमें ये बताएं कि कोई ऐसा बॉक्सिंग का क्लब या कहीं मेंबरशिप आपकी है या कोई ऐसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं जहां बच्चों को या प्रतिभागियों को आप ऐसी कोई ट्रेनिंग देते हैं बॉक्सिंग से संबंधित? सर मैं भिलाई प्रांत में सर्विस था मेरा, मैं रिटायर हो गया, आज 5 साल हो गए रिटायर होने हुई मुझे, आज भी बॉक्सिंग क्लब चला रहा हूँ। जो बॉक्सिंग की जो फैसिलिटी मिली है मुझे वो भिलाई स्टील प्लांट से मिली है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट ने ही मुझे मतलब जो बॉक्सिंग क्लब जो उनके उनके मार्गदर्शन में खुला था, साईराम झाकड़ साहब जो है वो मेरे को काफी हेल्प किए थे बॉक्सिंग क्लब खोलने के लिए, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मतलब जो है कि हम वो क्लब खुला हमारा, और बच्चे जो है करीबन 30 से 40 बच्चे हमारे क्लब में रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। बात कर रहे हैं हम बॉक्सिंग या मुक्केबाजी जिसे कहते हैं जी, तो इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे खेले जाते हैं, इसमें जीत हार कैसे निर्धारित किया जाता है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। सर इसमें है कि जो रेफरी होता है वो दोनों बॉर्ड को देखता है और कंट्रोलिंग करता है किस तरीका मतलब फॉल पंच को जो है ना मारे, स्ट्रेट पंच मारना है, ये नकल पोर्शन पंच को ही है, और जो टारगेट पॉइंट है सर वो जो है नाभि से ऊपर और पूरे शरीर के ऊपर, ये है उनका टारगेट पॉइंट रहता है जी हाँ। और बॉक्सरों का ऐसा रहता है जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में मतलब जो है कि हम उसे सबसे पहले जो है उसको बच्चों लोगों को तैयार करते हैं कैसे लेफ्ट मारते हैं, कैसे राइट मारते हैं, किस तरह का बचाते हैं, बचाने के सिखाते हैं, बचाने का जो है उस तरह का हम लोग इसको ट्रेनिंग कराते हैं जी। देखिए हर खेल में एक जो होता है फाउल होता है जी, तो इसमें बॉक्सिंग में क्या एक फाउल होता है जिसमें दंड दिया जा सकता है, क्या होता है? रेफरी इसको फाउल पंच के लिए इसको सिंगल से बताता है कि भाई ये फाउल पंच है, ये फाउल पंच मत मारिए आप जो है नकल पोर्शन से आपको पंच मारना है जी हाँ, और नाभि के नीचे जो है पंच जो है वो फाउल कहलाता है, नाभि के ऊपर मारने का है, ये चीज रहती है। तो जैसे मुक्केबाजी देखा जाए तो ओलंपिक में भी है ये खेल जी, और हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है जी। तो आप अपना कोई ऐसा अनुभव बताएं या आपके खेल की जो तब इतिहास रहा तो उसमें कोई मेडल या कोई ऐसा कोई आपका यादगार कोई पल हो जो खेलों से संबंधित। सन 80 में ऑल इंडिया इंटरस्टेट टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में मतलब मैं सर जो कि फाइनल खेला था जी।
और फाइनल में मतलब मैं जो उससे पराजित हुआ था, लेकिन वो टूर्नामेंट मेरा बहुत ही बेहतरीन था। काफी मतलब मैं को उसमें उस टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट लूजर का अवार्ड मिला था। बेस्ट लूजर उसको बोलते हैं सर कि जो बहुत अच्छा खेल करके हारा हो, तो उस टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट लूजर का अवार्ड मिला था मेरे को, और वो टूर्नामेंट मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट था। जी जी, यानी एक जो रनर अप जो कहते हैं जिसे, जी इंटरनेशनल ऑल इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। जी, बहुत बढ़िया बात अभी आपने बताई है। तो सोनकर जी, आप हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें जैसे हर खेलों में कुछ भार वर्ग में खेला जाता है, जैसे क्रिकेट में होता है अंडर 19, अंडर 20, वैसे क्या बॉक्सिंग में भी कुछ इस तरह के नियम होते हैं? जी हाँ सर, बॉक्सिंग में भी जो है वेट कैटेगरी रहती है इसमें। जी हाँ, इसमें 12 वेट रहते हैं। जी हाँ, तो उसमें वेट में खेले जाते थे। ये करीबन जो है कि सब जूनियर्स, जूनियर्स, सीनियर्स, इन लोगों का वेट कैटेगरी रहता है। जी हाँ, तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आते हैं। ये करीबन जो है कि 2 से 3 किलो के अंदर में रहता है ये। तो अभी देखा जाए छत्तीसगढ़ में, तो आप कैसा देखते हैं कि कितने अभी यहाँ पे जो वर्तमान में खिलाड़ी जो है छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं? जी जी, ऐसे जो है जो बच्चे खेलते हैं इस टाइम पे, ज्ञान प्रसाद है, ए समीर है, त्रिलोक सिंह है। तो जैसे दो इसमें जो है बॉक्सिंग में जो दो खिलाड़ी खेलते हैं, जी, तो उसमें मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, तो जब सामने वाला खिलाड़ी आपके ऊपर आघात करे या हमला करे, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? वो बचाव के क्या क्या नियम होते हैं, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। सर, बॉक्सिंग खेल ऐसा है कि पहले हम लोग जो है कि बचाना और मारना दोनों सीखते हैं। हाँ। बचाने के लिए जो है कि अपना गार्डिंग रहता है, गार्डिंग से बचाते हैं। जो सामने वाला पंच मारता है तो उसको हम जो है बचाते हैं, बचा करके फिर मारते हैं। एक तो गार्ड में रख के बचाने का होता है, दूसरा होता है मिस करना। मतलब जो है कि बॉक्सर जो रहता है उसका पंच को देखता है, पंच को देख करके वो मिस करता है, मिसिंग करके फिर उसको पंच मारता है। ये चीज है जी, जी, तो अपने आप को मतलब जो है कि बचा करके सामने वाले को मारना, यही बॉक्सिंग का खेल है। जी, जी, और इसमें जो है टेक्निक ये रहती है कि डॉज देना, कि मतलब हम लेफ्ट मार दिखा रहे हैं और राइट पंच मार रहे हैं, या हम राइट दिखा रहे हैं लेफ्ट पंच मार रहे हैं, या हम ऊपर दिखा रहे हैं पेट में मार रहे हैं। जी जी जी, जी हाँ। तो इसमें जैसे पेट में मारना तो एक फाउल कहलाएगा? नहीं, पेट में मारना फाउल नहीं कराएगा, नाभि के नीचे मारना फाउल कराएगा। उसमें रेड मतलब इसमें व्हाइट कलर की एक रिबिन बांधी रहती है, उसमें मतलब जो है कि उसको उसके ऊपर ही मारना है, नीचे मारना फॉल रहा है। तो जैसे देखे जाते हैं जो खेल अखाड़े में या उसमें खेले जाते हैं, उसमें कुछ राउंड होते हैं कि इतने राउंड के खेल होंगे, तो बॉक्सिंग कितने राउंड? तो बॉक्सिंग जो है सर जो है वो 3 मिनट का एक राउंड रहता है, 1 मिनट का रेस्ट रहता है, इस तरह का फिर 3 मिनट का एक राउंड रहता है, 1 मिनट का रेस्ट रहता है, फिर 3 मिनट का राउंड रहता है, 1 मिनट का रेस्ट रहता है, इस तरह का वो 3 राउंड का गेम चलता है। जी हाँ जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने बताई है। तो कुलदीप सोनकर जी, हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग के खेल की, हाल ही में या कोई आने वाले दिनों में आप बताएं, कोई ऐसा कोई इवेंट होने वाला है बॉक्सिंग संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर या राष्ट्रीय स्तर पर, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं? सर, अभी हमारा यहाँ जो छत्तीसगढ़ का स्टेट टूर्नामेंट होने का है सर, और उसकी तैयारी अभी से हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जो है कि काफी अच्छे बॉक्सर जो है जिनको हमसे नेशनल से मेडल लेने की उम्मीद दिखती है हमको, तो उनकी प्रैक्टिस हम अभी करा रहे हैं। जहाँ तक हम लोग स्टेट टूर्नामेंट जो है सर जो है कि 3-4 महीने में हम लोगों ने कंप्लीट कर लेंगे। जी जी जी, चूंकि आप एक बॉक्सिंग क्लब भी चलाते हैं कुलदीप सोनकर जी, तो आप बताएं कि बॉक्सिंग के खेल के तैयार होने के लिए एक बॉक्सर को क्या नियम होने चाहिए, कि कैसा उनका डाइट होना चाहिए और कैसा उनका हैबिट होना चाहिए रोज का, थोड़ा सा श्रोताओं को बताएं। सर, बॉक्सिंग खेल के लिए जो है कि सबसे पहली चीज है कि अपना मतलब जो है कि उसका टाइमिंग जो है उसको हमेशा परफेक्ट रखना चाहिए अपने बॉक्सर को, कि हमें कितने बजे उठना है, एक नियम बनाना है उसको कि हाँ भाई मेरे को इतना किलोमीटर रनिंग करनी है, इतने किलोमीटर के बाद में उसको रोप स्पीकिंग रोप कूदना है, इतना मिनट उसको बेक पंचिंग करना है, इतना मिनट जो है उसको जो है कि पेडिंग करना है। तो ये सब चीजें शेड्यूल जो रहता है हम बच्चों को मतलब जो कि बताते हैं और उनसे कराते हैं। जी हाँ, टाइमिंग में तो बच्चे इसी के हिसाब से मतलब जो बच्चे तैयार होते हैं। और बॉक्सिंग खेल में सर सबसे मेन चीज होती है वो स्टेमिना। जिस बच्चे के अंदर में स्टेमिना रहता है तो वही बच्चा जो है कि जीतने की उम्मीद करते हैं उसे, क्योंकि इसमें स्टेमिना बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि एक राउंड जो है 3 मिनट का रहता है, 3 मिनट जो है उसको बराबर उसको फाइट
बचाना है और मारना है, बचाना है और मारना है। तीन मिनट के बाद सर एक मिनट का रेस्ट मिलता है और एक मिनट सर समझाते समझाते मतलब जो है कि उसकी क्या गलती है वो ऐसे निकल जाता है, फिर उसको तीन मिनट लड़ना है। तो पूरा खेल जो है हमारा बॉक्सिंग का जो है पूरा खेल स्टेमिना पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा स्टेमिना बच्चे करेगा उतना अच्छा वो खेल पाएगा सामने वाले बॉक्सर से, और स्टेमिना ही बच्चे का मेन चीज है। और स्टेमिना को छोड़ करके जो है उसके अंदर कितनी अच्छी सी चलाकी है कि जो अपने आप को मतलब वो बचा करके सामने वाले को मार सके। तो ये खेल पूरा जो है कि एक दिमाग का खेल होता है, ताकत तो उतना नहीं है जितना ज्यादा दिमाग लग का काम है कि हमें किस तरीके आगे बढ़ के मारना है, किस तरीके पीछे हट के मारना है, किस तरीके हमको साइड होके मारना है। और जो खेल होता है सर वो पूरा बॉक्सर के उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी आई सेटिंग कितनी परफेक्ट है। जितनी परफेक्ट उसकी आई सेटिंग रहेगी उतनी परफेक्ट वो पंच मार पाएगा, क्योंकि पंच को बचाना है बचा के मारना है। ये बॉक्सिंग का खेल है जी। ये बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है कि बॉक्सिंग के खेल के लिए एक बॉक्सर को कैसे क्या नियम और जो उसकी जो है स्टेमिना काम आ सकते हैं। श्रोताओं अब बॉक्सिंग के खेल के संबंध में अभी हम बात कर रहे थे कुलदीप सोनकर जी से। कुलदीप सोनकर जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को बॉक्सिंग या मुक्केबाजी के बारे में जो बातें बताई वो काफी दिलचस्प थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।